ओके हाय गुड इवनिंग एवरीवन वन सो आज का टॉपिक हमारा इसी सीरीज का तो ये कौन सी सीरीज चल रही है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीरीज चल रहा है सो so, यहाँ पे आज हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड इट्स इट तो यहाँ पे हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है और कैसे कैसे आपका जो इंटरनेट है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ जो आज प्रेजेंट डे में आप नेट यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ से शुरू हुआ कैसे आज वाली सिनारियों तक पढ़ा पहुंचा ये हम डिटेल में बात करेंगे आयोबाज दिन को भी एक लेक्चर था नाटो को होलिस्टिकली कवर किया था वो आपने देखा होगा सो बूस्टर सीरीज़ भी एक मैंने शुरू किया है सो डू वॉच दोज़ लेक्चर्स आल्सो आज का लेक्चर वाज़ ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स मिनट्स बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट कि ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स में हम कोई अच्छा टॉपिक जो है वो कवर करें

कोई भी एडुकेटर से आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं देखिए मैनी पीपल टेक कोचिंग फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट कोई बुराई नहीं है दैट इज़ गुड बट एक जो फैसिलिटी आपको अन अकाडमी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में देता है एक्सेस टू द टीचर्स कि आप उन टीचर्स से सबके टेलीग्राम चैनल्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं क्वेरीज पूछ सकते हैं और प्लस कोई टीचर किसी सब्जेक्ट का पसंद नहीं आया तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे ब्लॉक हो गए यू कैन शिफ्ट टू अनदर टीचर ऑफ द सेम सब्जेक्ट और ऐसा तो है नहीं है कि पांच छह टीचर्स हैं आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा <laughs> फिर तो प्रॉब्लम टीचर में नहीं है ओके नाउ सी बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एंड अगेन लोकेटेड ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आपका चल रहा है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट हमेशा नहीं रहता सो so, इसको अवेल कीजिए कोड इज़ यूपीएससी अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे बताइए आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस थ्रू आउट प्रिपरेशन uh, रहेगा बाकी बैच थर्टीन को भी एक शुरू हुआ है इसमें खुद को एनरोल कीजिए नोट्स लेना चाहते हैं सिर्फ तो हेयर इज़ ऑल्सो ये चांस आप सिर्फ हमारी किताबों से भी पढ़ सकते हैं ई एम आई ऑप्ट कर रहे हैं तो ज़ीरो परसेंट ई एम आई है कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा uh, चलिए डिस्कशन <coughs> जो है इंटरनेट पे शुरू करते हैं ये इट इज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक मुझे भी पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लुकिंग एट योर विकास हर्ष गुड इवनिंग राहुल रोहित केत यश काजल ओके वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सर फर ऑल्सो तो शुरू करते हैं डिस्कशन तो आप आज इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आपने कभी सोचा है कि किस तरह से इवॉल्व हुआ होगा आज अगर आप नॉर्मली इन फैक्ट आप 2011 में ही चले जाइए 2010 में चले जाइए 2006 इसी कुछ साल पहले तो आप देखेंगे वन डिकेड पहले कि उस टाइम जो स्पीड थी आज जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपको शायद चार, चार चार दिन लग जाते थे कुछ डाउनलोड करने में आज विद इन मिनट्स यू आर एबल टू डाउनलोड तो इंटरनेट किस तरीके से शुरू हुआ होगा किसका दिमाग होगा और जो यहाँ तक पहुँचा है वैसे इंटरनेट की डिस्कवरी में हम कभी किसी एक इंसान का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि इट वॉज़ अ प्रोग्रेसिव एफर्ट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है अब देखिए पहले इंटरनेट को देखते हैं इंटरनेट को ही हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू जिसको आज भी हम यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स तो इंटरनेट क्या है जहाँ पे बहुत सारे आपके इंटरकनेक्टेड नेटवर्कस हैं तो हमने कहा कि इंटरनेट कनेक्टेड अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए तो नेटवर्क क्या है ठीक इन आ, कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, जैसे आपके प्रिंटर्स हो गए कॉम्प्यूटर्स हो गए जब वो आपस में बातचीत करते हैं कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम एक नेटवर्क बोलते हैं अब ह्यूमंस का कोई ग्रुप है कि सपोज़ मेरे टेलीग्राम पे एक ग्रुप है वहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स मुझसे बात कर रहे हैं आपस में भी बात कर रहे हैं तो दैट इज़ अ नेटवर्क वो एक तरह का नेटवर्क है तो इसी तरह से मशीन्स का भी नेटवर्क है कोई भी ऐसे डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं कम्युनिकेट करना क्या अगर हम एक से दूसरे को मैसेज कर रहे हैं तो उसको जा रहा है वो किसी और को आगे मैसेज कर रहा है या कोई भी यहां पे मैसेज क्या है डेटा ट्रांसफर करना तो कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इस तरीके से ये एक नेटवर्क बन रहा है सो ग्रुप ऑफ डिवाइसेज विच कॉम्युनिकेट विथ ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट अ नेटवर्क और इंटरनेट क्या है इस तरह के नेटवर्क का इंटरकनेक्ट क्शंस यहां पे hundreds of interconnected networks आपको मिलेंगे सो आई होप इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग यू एंड इट इज क्लियर यस वी कैन नॉट यू कैन नॉट वॉच दिस लेक्चर विदाउट इंटरनेट अब नाउ सी यहाँ पे इंटरनेट के और आगे जाने से अच्छा uh, पहले देखिए जैसे आपके लोकल एरिया नेटवर्क है तो यहां पे बीच में इस तरीके से आपका ये कंप्यूटर है है ना ये कंप्यूटर है ये इससे कनेक्टेड है ये कंप्यूटर है ये इससे कनेक्टेड है इस तरीके से काफी सारे सो so, एक लोकल एरिया नेटवर्क आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा जब इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होंगे है ना उसको हम एक वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे WAN तो छोटे-छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स थोड़े बड़े होके रीजनल एरिया नेटवर्क्स बनाएंगे वो रीजनल एरिया नेटवर्क्स साथ में जुड़ के वाइडर एरिया नेटवर्क्स या नेशनल एरिया नेटवर्क्स बनाएंगे तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि नेटवर्क क्या है तो यही चीज़ फर्स्ट लाइन में आपकी लिखी है ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि एक प्रोटोकॉल को यूज करते हैं यहाँ पे ये प्रोटोकॉल का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इसकी टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है इस प्रोटोकॉल को हम इंटर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं या नॉर्मली टी सी पी आई पी बोलते हैं जिससे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस दुनिया में कितने सारे डिवाइसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में वो कनेक्टेड हैं थ्रू दिस प्रोटोकॉल ओके okay? ये है हमारे लिए एक इंटरनेट की डेफिनेशन उसको बहुत बेसिक बेसिक तरीके से समझने के लिए और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं इंटरनेट को एथ कॉन्टिनेंट कहा जाता है वाई बिकॉज इस पर कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और लोग जुड़े हुए हैं और उसके साथ इस इंटरनेट पे उन लोगों का इंफॉर्मेशन है टॉप सीक्रेट मिलिट्री की रिसर्च फाइल्स हैं राइट right. तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट को एट्थ कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है इसमें इनॉर्मस डेटा है बहुत सारा डेटा बहुत सारी चीज़ें उस पर स्टोर हो रखी हैं और इसमें हम सबके कंप्यूटर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये जो मैसिव स्टोरेज है जो हर कोई एक दूसरे से शेयर कर रहा है इस तरह का डेटा इसमें हमारा ये जिस लैपटॉप से अभी मैं कनेक्टेड हूँ आप जिस फ़ोन पर या जिस लैपटॉप पर ये क्लास देख रहे हैं सो दिस इज ऑल इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्कस इंटरनेट so अगर आपको डिफाइन करना आएगा तो ये फर्स्ट वाला lines जो है ये आपको हेल्प करेंगी और ये जो डायग्राम मैंने गंदा से बनाया है इसको अगर आप सुंदर सा बना देंगे तो वो आपका पर्पज सॉल्व करेगा ये सभी रली रोज क्लास होती है ओके तो सेम डायग्राम कि इंटरनेट इस तरीके से अलग अलग दुनिया से इस तरीके से कनेक्टेड है अब आगे देखिए अब आप आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है आई नीड दिस आंसर फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है हु कंट्रोल्स इंटरनेट इंटरनेट पे अगर कोई डिसीजन लेना तो कौन लेता है कोई प्राइवेट कंपनी है कोई आपका गवर्नमेंट है क्या है तो so देखिए इस चीज़ को आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसको कौन कंट्रोल करता है नाउ लुक एट दिस द इंटरनेट कारपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा देखिए आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है कुछ भी क्रिएट करना है इंटरनेट पे सो तो आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ती है जैसे गो डैडी डॉट कॉम है वो आपको डोमेन्स बेचता है तो उसके काफ़ी सारे रजिस्ट्रीज होती हैं तो ये सब आई कैन ने उसको दे रखा है कि आप जाइए डोमेन्स जो है वो बेचिए तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स इन अ मीटिंग एट माराकेश मोरक्को इन्होंने ये डिसाइड किया कि आई कैन जो है उसको मल्टी स्टेक होल्डर यानी काफ़ी लोग मिलकर उसको कंट्रोल करेंगे यानी उसमें काफ़ी लोगों का स्टेक है यानी एक कम्युनिटी है जिसमें बिजनेसेस इंडिविजुअल यूजर्स गवर्नमेंट के मेंबर्स सब इन्वॉल्व हैं तो ये आई कैन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जो थोड़ी बहुत अथॉरिटी इंटरनेट पर रखता है अब सिंस दिस ग्रुप इलेक्ट्स आई कैम्स बोर्ड तो यही ग्रुप मेंबर्स हैं जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आई कैन के कौन होंगे ओके सो आई कैन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट पे थोड़ा अथॉरिटी वर्ल्ड वाइड रखती है अब जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो क्या करती है सर्वर को बैन कर देती है किसी साइट को अपने देश से बैन uh, कर देगी या ब्लॉक कर देगी जैसे चाइना ने कर रखा है बाहर के इंटरनेट को काफ़ी सारी वेबसाइट जो हैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो अपने देश में यूज़ नहीं करने देते बिकॉज वो अपने सिटीजन्स uh, को वही दिखाना चाहते हैं जो उनकी गवर्नमेंट कहती है वो नहीं कहती वो उनको नहीं चाहते कि वो बाहर का कुछ देखें तो so, वो ब्लॉक कर सकते हैं बट वर्ल्ड के इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकते बट हाउ एवर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ होल्ड ऑन इंटरनेट तो आई कैन के बारे में जानते हैं कि वॉट इज़ आई कैन अभी मैं इंटरनेट की हिस्ट्री पे आऊँगी बट उससे पहले ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप देख लीजिए ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जिसको 1998 में स्टेब्लिश किया गया था जो डोमेन नेम्स देखती है और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस अब आपको पता है ना कि कभी भी कोई साइबर क्राइम होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई उसका आईपी एड्रेस क्या है तो आईपी एड्रेस आपने बहुत बार सुना होगा सो व्हाट इज आईपी एड्रेस इट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सबका हर डिवाइस का खुद का आईपी एड्रेस है हमारे फ़ोन का हमारे लैपटॉप का वॉट गैजेट वी आर कनेक्टिंग विद इंटरनेट सो इट हैज़ इट्स ओन आई एड्रेस तो ये बॉडी क्या करती है एक तो नॉन प्रॉफिट बॉडी है 1998 में बनी यह डिसाइड करती है कि डोमेन नेम्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा जैसे इसने आगे गो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको किसने ये राइट right दे रखा है ये काम दे रखा है आई कैन ने दे रखा है सो ग्लोबली दिस इज वॉट दे डू और ये इंटरनेट को मैनेज करने का टास्क देती है और इसको ये किसने बोला है बाई यू एस कॉमर्स डिपार्टमेंट नेशनल टेलीकोम्यनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट दे हैज दे हैव बिन असाइन द टास्क टू मैनेज इंटरनेट कि आप इंटरनेट को मैनेज करो ऐसा नहीं है पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकती है बट हाउ एवर दे आर मैनेजिंग अब आई ए एन ए क्या है इंटरनेट अथॉरिटी जो आई कैन का एक पार्ट है जो कंट्री के कोड्स इंटरनेट नंबर्स प्रोटोकॉल सिस्टम्स उनको मैनेज करती है ठीक है सो ये आपको आई कैन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए वेन वी टॉक अबाउट इंटरनेट अब इंटरनेट गवर्नेंस की इंटरनेट को कौन गवर्न करेगा तो so, 2005 में क्या हुआ यूएन स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड समिट हुआ ये समिट एक कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जहाँ पे उन्होंने इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में डिफाइन किया कि इंटरनेट को कंट्रोल या गवर्न करना क्या है तो बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स कुछ नॉर्म्स प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए गए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट इंटरनेट के साथ क्या कर सकती है सिविल सोसाइटी बिजनेस कैसे यूज़ कर सकती है क्या किसका क्या रोल रहेगा ताकि इंटरनेट और भी डेवलप होता रहे आज जिस प्रकार हम इंटरनेट को देख रहे हैं कभी ऐसा तो नहीं था धीरे धीरे डेवलप हुआ है तो उसका डेवलपमेंट एवोल्यूशन रुकना नहीं चाहिए और इसका यूज़ भी नहीं रुकना चाहिए ये सब वहाँ पर डिसाइड हुआ जिसमें आपके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आएंगे कि डी एन को देखिए जो डेटा कंट्रोल हो रहा है अब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रहा है तो यूट्यूब के बहुत सारे सर्वर्स हैं, जहां पे ये डेटा स्टोर होता है आप बाद में भी देख पाते हैं ना इस डेटा को तो इसका प्रॉपर एड्रेस रहता है कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है तो दैट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट तो ये कंट्रोल ओवर डी एन एस ये सब इंटरनेट गवर्नेंस में आता है कि ये सर्विस कहाँ होंगे किस तरीके से रहेंगे सिविल एस्पेक्ट्स भी आते हैं किसकी कितनी प्राइवेसी रहेगी फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन कि इंटरनेट किस तरह से यूज़ हो रहा है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन होना चाहिए प्राइवेसी भी होनी चाहिए ये नहीं कि मेरा कोई पर्सनल इन्फॉमेसन है वो किसी पब्लिक डोमेन में चला गया पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं कि इसका मैंटेन सोवरेनिटी किसी देश की है तो कैसे मैंटेन होगी या जिस देश में पर्टिकुलर इंटरनेट चाहता है जैसे चाइना ने अपनी सोवरेनिटी मैंटेन की है कि उसने कुछ सर्वर्स को ही ब्लॉक कर दिया सिक्योरिटी uh, एस्पेक्ट्स भी हैं कि किसी देश का डेटा लीक ना हो जाए साइबर सिक्योरिटी भी है सो so, ये सब चीजें आपकी इंटरनेट गवर्नेंस में आते हैं so, so जो इसमें आएंगे तो so, इस तरीके से कुछ इंटरनेट आज दुनिया में बिछा पड़ा है जो हम यूज कर पा रहे हैं सो दिस इज जस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ अ पॉसिबल रूटिंग पाथ ऑन द इंटरनेट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इसी संडे को अक्टूबर 16 को 11 ए एम यू हैव दिस टेस्ट अगर आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हैं तो ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप खुद को एसेस कीजिए मेरा कोड वीरो यूपीएससी यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं चैंपियनशिप फिर से आई है थर्टीनथ नवम्बर को है फिफ्टी एम सी क्यू मिनट्स सो डू पार्टिसिपेट इन सच टेस्ट्स आप खुद को एसेस करेंगे आपका नॉलेज कितना है और यहाँ पे जो टॉप फाइव रैंकर्स हैं उनको एक आई ऑफिसर से मिलने का मौका भी मिलेगा सो दिस इज़ गुड अपॉर्चुनिटी यूज़ इट अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तो उसको यूज़ कीजिए चलिए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं थोड़ा और ज़्यादा अभी हमने बेसिक बेसिक देखा इंटरनेट क्या है कौन गवर्न करना कर रहा है इंटरनेट गवर्नेंस क्या है अब इसको ध्यान से समझिएगा हिस्ट्री कि इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ तो मैंने बोला कोई एक इंसान का एक व्यक्ति का नाम इसके पीछे नहीं है ठीक तो आप यहाँ से शुरू कीजिए हम नाइनटीन से आप ना ऐसे काम करना एक फ्लो चार्ट सा बनाना अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगी अगर आप देख रहे हैं लेक्चर इसको फ्लो चार्ट में लिखेगा नाइनटीन ठीक है नाइनटीन में क्या होता है वैसे आपको पता है ना सबसे पहले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं वी कॉल इट इनियाक है ना इनियाक कहा जाता है ओके okay, सॉरी यहां लिखती हूँ इनियाक व्हाट इज द फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक किसी को पता है इसका फुल फॉर्म लिखिए जरा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर एंड ए इज एंड एंड कॉम्प्यूटर ये बहुत बड़ा सा कंप्यूटर था ना कब बना था ये यह फोर्टी मेरे बर्थडे वाले दिन बट हां तब मैं पैदा नहीं हुई थी ठीक है तो इनियाक आपको मालूम होना चाहिए दिस वाज़ द फर्स्ट कंप्यूटर जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तो ये जब पहली बार इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया गया बेसिकली इसमें थोड़ा ब... आप कह क्या सकते हैं कैलकुलेटर जैसा काम ये करता था सो नाउ वट हैपेंड कि अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता था हार्डवेयर उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर इन्वॉल्व रहता था मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था तो उस टाइम साइंटिस्ट को लगा यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यू नो वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सच बिग कंप्यूटर टू अनादर कॉम्प्यूटर तो वहाँ से ये सोच शुरू हुई वो एग्जैक्टली exactly इंटरनेट नहीं था उस टाइम हमने सिर्फ सोचा अबाउट डेटा ट्रांसफर कि डेटा को कैसे ट्रांसफर ये 1960 मैंने बाद में बताती हूँ की बात है ओके okay. बाद नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्टली हम नाइनटीन में चले जाते हैं 1960 में क्या होता है अमेरिका का डिफेंस का डिपार्टमेंट लिख लीजिए इसको ऐसे लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ओके अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या बोलता है उसके अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है अर्पा ठीक है यहां पे लिखा होगा अरपा नेट नेट अब पे आती हूं मैं बट जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड इट हम्म अर्पा का फुल फॉर्म है एडवांस्ड लिख लीजिए एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ठीक है तो डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफेंस क्या उसके अंदर ये जो एजेंसी आती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ये इनको कहता है यार कुछ ऐसा बनाओ कि एक यूनिवर्सिटी में से अगर हमको डेटा दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना हो तो हम इजीली कर पाएं उनको ये ज़रूरत महसूस क्यों हुई क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ डिफेंस के जो रिसर्चर्स थे उस टाइम जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है दूसरी यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो उससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट यानी सपोज हम दो टीचर्स हैं लेट्स क्रैक यू पी एस सी में तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज इंटरनेट का टॉपिक पढ़ाऊंगी वो भी सोच रहे हैं कि इंटरनेट का टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपस में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे तो डुप्लीकेशन ऑफ़ एफर्ट हो रहा है उतनी मेहनत करें जबकि एक लेक्चर विल डू राइट right? सो so, इस चीज को रोकने के लिए कि रिसर्च दो बार ना हो जाए ताकि ये अलग रिसर्च करें ये अलग रिसर्च करें और आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें शायद इसने जो रिसर्च की वो इसकी मदद कर दे तो कुछ ऐसा वरना उस टाइम फिर मैसेज भेजते भेजते ही कितने कितने दिन लग जाते थे और टाइम वेस्ट हो जाता था तो एटलीस्ट उन्होंने कहा वहां पे जो कंप्यूटर्स हैं जो डिवाइसेस हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो पाए कुछ ऐसा ढूंढो ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किसको कहा अर्पा को प्रोजेक्ट एजेंसी को कहा ठीक? ये ये 1960 में 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 हुआ, अब 1969 में क्या होता है? ये करने में successful हो जाता है चार कंप्यूटर्स थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के वो आपस में कनेक्ट कर देता है नाउ आई एम फॉरगेटिंग वो चार यूनिवर्सिटीज कौन सी थी बट आई थिंक एस थी यूसीएल थी और आपकी स्टैनफोर्ड रिसर्च ये अच्छा दिस इज स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट यू हैव योर कैलिफोर्निया वाला यूनिवर्सिटी एंड आई थिंक हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ उता एंड देर इज़ वन मोर ये चार यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर को अरपा आपस में कनेक्ट कर लेता है और इनका डिस्टेंस भी आपस में काफ़ी है सो so, ये आप एक पहला स्टेप मान सकते हैं कि ये इंटरनेट नहीं था इसको अरपा नेट कहा गया क्या कहा गया अरपा नेट कहा गया बट एटलीस्ट डिस्टेंस पे एक दूसरे से काफी दूर वो ये करने में कामयाब हुए ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्लाइड पे क्या लिखा है इंटरनेट स्टार्टेड ऑफ़ रिसर्च टू वट वॉज नोन एज पैकेट स्विचिंग हाँ तो इसको पैकेट स्विचिंग कहा गया क्योंकि पहले शुरू में उन्होंने सोचा कि हम डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे वायर्स के थ्रू करेंगे आज भी वायर्स के थ्रू होता है विल कम टू वेट लेटर पैकेट स्विचिंग में कि इतना बड़ा डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेंगे और वो पैकेट्स आगे डेटा के तौर पर जाए, जाएगा इसको हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं सो so, पैकेट स्विचिंग को उस टाइम सोचा गया एक बेटर और फास्टर मेथड है किसी को भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और ये ये पैक जो अर्पा नेट है आपका ये पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड था और इससे आपका अर्पा नेट बना जो कि शुरुआत की थी यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो स्टोरी मैंने आपको बताई ठीक है यहां से हम कहां तक पहुंच गए हम नाइनटीन तक पहुंच गए जब आपका अर्पा नेट बना तो so अगेन यहाँ पे अर्पानेट के बारे में देख लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट रियल नेटवर्क तो अर्पानेट को आप पहला रियल नेटवर्क बोल सकते हो और किस टेक्नोलॉजी पे चल रहा था पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे जो उस टाइम नहीं, नहीं थी और हाँ यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर्स एट स्टैंडफर्ड यूसीएलआर आई भी था उसको पहली बार कनेक्ट किया गया और मैसेजेस आगे पीछे भेजे गए सो दिस इज अबाउट अर्पा ठीक है अब नाइनटीन के बाद मैं नाइनटीन पे जम्प करती हूँ ठीक है आई होप यू आर मेकिंग अ फ्लो चार्ट जैसे मैंने आपको बोला था यस yes, हम अभी भी पैकेट इंटरनेट यूज करते हैं ओके okay, तो 1969 सिक्सटी नाइन पे आपने देख लिया कि अर्पानेट वाला कहानी हुआ अब 1971 में क्या हुआ इसी टेक्नोल टेक्नोलॉजी को अर्पानेट को इन्होंने कनेक्ट किया और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ पहले सिर्फ चार यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी नाउ दे कनेक्टेड इट टू मोर यूनिवर्सिटीज और भी यूनिवर्सिटीज को साथ में लिया गया वायर से किससे वायर से कनेक्ट किया गया तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा था और भी यूनिवर्सिटीज को जब लिया गया अब 1971 में यहां तक हो गया नेक्स्ट लाइन डालिए और लिखिए 1972, 1972 में आप एक्चुअली बोल सकते हैं कि बर्थ ऑफ इंटरनेट हुआ ठीक है पहले भी इंटरनेट परपा नेट को हम इंटरनेट नहीं बोल रहे इसलिए क्योंकि बहुत वा, वास्ट नेटवर्क इंक्लूडेड नहीं है बट दैट इज स्टिल अ नेटवर्क बट यहाँ पे बर्थ ऑफ इंटरनेट हम ईयर 1972 को इसलिए बोलते हैं यहाँ पे आपके दो साइंटिस्ट थे एक थे विंट सर्फ और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था बॉब कान बॉब के एच एन कान ठीक है तो ये दोनों एक्चुअली अर्पानेट का जो टीम था ना जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जिनको कहा था ये उस टीम का हिस्सा थे तो इनको पता था अर्पानेट कैसे वो करता है लेकिन ये अब कुछ और भी करना चाहते थे ये चाहते थे कि सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज आपस में लिंक ना रहे हम और भी ज्यादा इस नेटवर्क को इं, इंप्रूव करें तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया उस प्रोजेक्ट का नाम था इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट क्या नाम था इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट इसको लिखिए ये सब आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ साथ में एक स्टोरी फॉर्म में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ सो so उसको बोला गया इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट पे इन लोगों ने काम करना शुरू किया फाइनली इन्होंने डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने में ये लोग सक्सेसफुल रहे इन्होंने डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट किया और कनेक्ट किया थ्रू गेट उस चीज को इन्होंने नाम दिया गेट ठीक है और इस गेटवे से आपका निकल के आया ये टीसीपी और आईपी का प्रोटोकॉल जो आज भी हम यूज करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक तो ये चीज इन लोगों ने की विडसर्फ और बॉब काहन ने अब ये 1972 की बात है अब यूनिक्स को हम पढ़ते हैं लेकिन 1969 सिक्सटी में वैसे आप देख लीजिए इसको ओके ये पीछे मैं भूलना जाऊँ नाइनटीन सेवेंटी तक हम पहुँच गए ठीक है अब 1969 में बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स हुई थी जैसे एक मेजर माइलस्टोन 1960s में था जब यूनिक्स लोग यूज करने लग गए ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था कि एटलीस्ट आपको कोई डिवाइस यूज करना है तो उस पर जैसे हम विंडोज यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मशीन तो एक डब्बा है कंप्यूटर एक डब्बा है वो किसी चीज पे चलेगा तो वो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो आज भी अगर आप देखेंगे लिनक्स और फ्री बीएसटी इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे आज अगर आप देखेंगे वो वेब सर्वर्स और वेब होस्टिंग सर्विसेज हमको देते हैं अब 1972 के बाद इंटरनेट कहाँ पहुंचा 1981 पे डायरेक्ट चलते हैं उस टाइम आया आपका सीएसनेट अर्पानेट के बाद सीएसनेट ये एक मेजर माइलस्टोन मान लीजिए इंटरनेट डेवलपमेंट में इसको मेजर माइलस्टोन इसलिए कहा गया क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ कनेक्टेड नहीं थी उनको अरपा नेट यूज करने को नहीं मिल रहा था तो वो कैसे अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से बांटेंगी साझा करेंगी तो उसके लिए आपका सी एस नेट आया सी एस नेट ने क्या किया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट किया और साइड वाइज क्या हो गया जो आपका अरपा नेट था उसको गवर्नमेंट ने देखा कि भाई सिर्फ Uh, हमें और भी लोगों को देना पड़ेगा उसके दो हिस्से कर दिए एक मिलिट्री को दे दिया कि मिलिट्री वाले जो नेट यूज करेंगे और सिविल परपस के लिए उसको सेपरेट कर दिया कि मिलिट्री सर्विस के लिए नेट और आपके सिविल परपस के लिए नेट अलग-अलग होना चाहिए 1981 फिर आप जाइए 1986 1986 में होता है आपका एनएसएफ नेट आता है अब यहां पे देखिए जो ये सीएस नेट है ये किसने बनाया था नेशनल साइंस फाउंडेशन ने और एन एस एफ नेट नाइनटीन एटी सिक्स में भी एन एस एफ नेशनल साइंस फाउंडेशन के लिए उन्होंने एक और नेट बनाया सो so बेसिकली इसमें आ, अपडेशन क्या थी स्पीड की स्पीड तेज हो गई क्योंकि अब लोगों ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे थे नेटवर्क पे ज्यादा लोग आ रहे थे बर्डन ज्यादा हो रहा था सो यू नीड मोर स्पीड

राइट ए एन एस नेट का मतलब है एडवांस्ड नेटवर्क एंड सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती है ए एन एस एडवांस्ड नेटवर्क सर्विसेज आपको 1991 में ए एन एस नेट के थ्रू मिलने लग गई सो so 1991 तक का एवोल्यूशन आपका इस तरीके से हुआ देन धीरे धीरे आपके वाइड एरिया नेटवर्क्स आने लग गए जो मैंने आपको शुरू में समझाए कि किस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क बने फिर वाइड एरिया नेटवर्क्स आपकी वायर्स के लोग बिछाने लग गए अभी आप सोचेंगे कि आ, हम तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं फोन यूज कर रहे हैं ये कोई वायर से कनेक्टेड तो नहीं है हाँ वायर से कनेक्टेड नहीं है बट यू आर कनेक्टेड टावर आपका नेट अभी आप मुझे इसलिए देख पा पा रहे हैं क्योंकि आपका फोन या लैपटॉप सिग्नल रिसीव कर रहा है या तो आपके वाईफाई से या फिर कोई पास में मोबाइल का टावर है अब वो मोबाइल का टावर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उसका ये सारा जो सिस्टम है ये डेटा आपका थ्रू वायर्स ट्रांसफर हो रहा है और फिर वो आगे आपको एयर सिग्नल्स मिल रहे हैं ठीक है तो 1991 तक आपका इंटरनेट का जो है वो इस तरीके से आता है देन यू सी काफी कंपनीज आने लग गई जिनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं या एयरटेल जियो आइडिया वोडाफन दीज कंपनी आर नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टूडे यू सी वी आर टोटली इन अ डिफरेंट एरिया वी मूव फ्राम टू जी थ्री और आज हम फाइव की बात कर रहे हैं सो दिस इज हाउ जो हिस्ट्री है इंटरनेट की वो शुरू हुई चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा अब आगे देखिए सो अगेन जो चीज़ें आपको मैंने समझाई 1970 में अर्पा नेटवर्क अब आपको समझ में आ गया और भी ज़्यादा आपको इसकी सिचुएशन समझ में आ गई कि नेटवर्क किस तरह से इस्टाब्लिश हुआ था किस तरह से मैसेजेस जो आ रहे थे फिर 1971 में एक और नई चीज़ हुई थी जहाँ पे अब आपका पूरा फ्लो चार्ट अगर आप लिख रहे थे बनाया है तो साथ में नाइनटीन में लिखिए ई आया ईमेल को पहली बार डेवलप किया गया 1971 में किसने किया रे टॉमसन ने ठीक है और उन्होंने ही डिसीजन लिया था ये जो एट द रेट वाला सिंबल है इसको यूजर नेम से सेपरेट करने के लिए और आगे कंप्यूटर नेम जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं जैसे जी मेल डॉट कॉम है तो जी मेल क्या है दिस इज द डोमेन नेम फिर 1974 में तो जब मैंने आपको बताया कि हाँ ये वाला जो 1972 में ये लोग वर्क करना शुरू हुए थे दो साइंटिस्ट जिनका मैंने आपको नाम बताया था क्या नाम था बताइए तो फिर आपका टी सी पी आई पी उनके बाद शुरू हुआ था सो so, यस yes, 1974 लिखा है लिखा बट यू कैन से 1972 टू 74 वाज़ अ ब्रेक थ्रू ईयर यहाँ पे आपकी 72 से रिसर्च उन्होंने शुरू की थी तो 74 वाज अ ब्रेक थ्रू ईयर जहाँ पे आपका इंटरनेटवर्क ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सेटअप हो गए थे ओके okay, तो फाइनली 82 में अर्पा नेट भी शिफ्ट हो गया था टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल में तो आई होप अभी जब हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर है व्हाट इज अर्पा नेट ओके शुभोजित यू आर सेइंग की 5G में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मोनोपली का यस yes, हो जाएगा बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बातें पॉलिटिकल वाली बातें नहीं करनी है दैट यू कैन राइट इन योर एथिक वाला पेपर एथिक्स वाला पेपर या अगर आपको कहीं पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस एंड टेक में मोस्ट प्रोबेबली आपको ओपिनियनेटेड चीज़ नहीं पूछी जाएगी डायरेक्ट चीज़ पूछी जाएगी टेक्निकल चीज़ पूछी जाएगी सो बेटर फोकस ऑन दैट पार्ट राइट राइटना सो नाइनटीन डोमेन नेम सिस्टम आया आपका दैट इज दैट वी कॉल डी सर्वर जिसको आज कहा जाता है तो ये कब शुरू हुआ था 1984 में जब आपका फर्स्ट डोमेन नेम सर्वर्स आए थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हर चीज़ का एड्रेस है आप घर पे बैठे हैं आपका कोई एड्रेस है तो इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में भी आपके एड्रेसेस हैं आपके फ़ोन के आपके लैपटॉप्स के एड्रेसेस हैं सो इनको ह्यूमन फ्रेंडली uh, बनाने के लिए भी मेड मोर आई पी एड्रेस अब आई पी एड्रेस में शुरू में बहुत बहुत लंबे नाम होते थे बट उनको थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए ये इस तरह के काउंटर पार्ट्स आप देख सकते हैं जहाँ पे इजी नेम्स दिए गए हैं अब डोमेन नेम स्पेस कुछ इस तरीके से दिखती है बिकॉज हर चीज आपस में कनेक्टेड है ये आपका ब्राउजर है ये डी सर्वर है ये वेब सर्वर है तो आप जहाँ पे यूज कर रहे हैं सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ब्राउजर जहाँ पे आप जैसे ये मोजिला फायरफॉक्स का है शायद ये सिंबल सो वट एवर ब्राउजर यू आर यूजिंग 87 में इंटरनेट ग्रो करने लग गया अब हाँ यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो होस्ट हैं जो यूजर्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होते गए क्योंकि मैंने भी जैसे आपको पीछे का इंटरनेट एवोल्यूशन बताया तो मैंने आपको क्या कहा मेन चीज़ क्या था स्पीड का इशू आ रहा था तो यहाँ पे जो होस्ट हैं वो धीरे धीरे बहुत इंक्रीज होने लगे इसलिए अर्पा को भी रिटायर होना पड़ा क्योंकि वो उनको मैंटेन नहीं कर पा रहा था राइट right? तो 1988 में एक और चीज़ शुरू हुई थी आपकी इंटरनेट रिले चैट आई थी पहली बार लोगों ने आपस में मैसेजेस भेजना जो है इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम आप बोलेंगे वो तो ईमेल पहले आ गया था लेकिन इट वाज रियल टाइम जैसे आज हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं सेम टाइम पे एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ शुरू हुई थी नाइनटीन में जिसको इंटरनेट रिले चैट कहा जा रहा था दैट मीन्स रियल टाइम चैट इंस्टेंट मैसेजिंग 1988 में आपकी शुरू हुई सो नाउ जस्ट टू रिवाइज व्हाट व्हाट हैपेंड व्हेन 89 आपका वर्ल्ड वाइड वेब आया 90 में आपकी ये प्रोटोकॉल्स है जो डब्ल्यू के ये खत्म हो गए 1991 में जो डब्ल्यू है इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए 93 में आपका पहला ब्राउजर जो है वो एक्सेसिबल किया गया जिसको कहा जाता है मोजाइक है ना मोजाइक वॉज अ फर्स्ट ब्राउजर जिसको लॉन्च किया गया नाइन थ्री में व्हाइट हाउस और यूनाइटेड नेशंस ने अपने वेब पेजेस बनाए और जब ये वेब पेजेस बने थे उसके बाद जो कमर्शियल लेवल पे भी लोगों ने वेब पेजेस बनाना शुरू किया था और अपने गुड्स डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचना शुरू किया था '1995 में पहले तो व्हाइट हाउस और यूनाइटेड नेशंस ने किया सो so, 1995 में व्हेन आई से कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटरनेट तो कमर्शियलाइजेशन से आप समझ जाइए व्हाट हैपेंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन वेबसाइट्स और अपने जो सामान है व्हाटएवर दे वांट टू सेल दे डायरेक्टली स्टार्टेड सेलिंग इट टू द कस्टमर्स सो 1996 में व्हाट हैपेंड फर्स्ट वेब बेस्ड वेबमेल सर्विस जो हॉटमेल है आपका वो शुरू हुआ दिस इज इंटरेस्टिंग यू कैन एक्चुअली सी हाउव इट इवॉल्व सो नाइनटीन नाइनटी एट में वॉट एपिन गूगल ऑनलाइन चला गया आपका गूगल बन गया और गूगल आने के बाद आप देख लीजिए दुनिया पूरी रेवोल्यूशनाइज हो गई जिस तरह से यूजर्स इंटरनेट यूज करने लगे इट टोटली चेंज द वर्ल्ड टू थाउजेंड फोर में वी टॉक अबाउट वेब टू पॉइंट ओ जिसका मतलब है वेबसाइट्स दैट आर यूजर ड्रिवन एंड इंटर तो इस तरह की वेबसाइट्स आपकी फ़ेमस हो गई जिनको यूजर्स यूज use करने लग गए ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे इंक्रीज होने लग गया और लोग आपस में इंटरैक्ट करने लग गए 2004 में लॉन्च होता है फेसबुक तो लोग सब बहुत खुश हो गए भाई फ़ेसबुक आ गया एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिन लोगों को हम गलियों में बुलाते भी नहीं हैं उनको फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया सो so, रेवोल्यूशन एक सोशल इंटरक्शनल डिजिटल मीडियम पे शुरू हो गई एक ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं पहले लोग पार्टीज में सोशलाइज सोशल uh, uh, हुआ करते थे एक दूसरे के साथ सोशलाइजिंग करते थे नाउ इट स्टार्टेड इन अ डिजिटल वर्ल्ड आल्सो 2005 में लॉन्च होता है यूट्यूब और रेडिट अमेजिंग अगेन अ न्यू स्टेप और यूट्यूब तो आज भी चल ही रहा है को तब इनिशियली इतनी सक्सेस नहीं मिली आज देखिए यूट्यूब कहाँ पे है 2010 में इंटरनेट रिकॉर्ड्स 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम तो पहली बार इंटरनेट पे 400 मिलियन लोग जो हैं वो आ चुके थे देखिए जब रेडियो भी आया था ना या टेलीविजन भी आया था तो भी इतनी जल्दी ट्रैफिक उस पर इंक्रीज नहीं हुआ था जितना इंटरनेट के आने से हुआ मतलब कई गुना ज्यादा So, ये सब कुछ मेजर थे इंटरनेट से रिलेटेड नाउ नेक्स्ट थी जो ये टर्म्स हम यूज करते हैं सुना होगा आपने भी वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 और ओ मस्क जैसे लोग और बहुत सारे लोग तो भाई सीधा वेब 5 की बात करते हैं सो व्हाट इज 1.0 सो बेसिकली दिस इज़ अ फर्स्ट जनरेशन जब आपका डिजिटल लेवल पे ये डिवाइसिस पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन शुरू हुआ इस नेटवर्क पे जो पहला जनरेशन था उसको हम वेब 1.0 बोलते हैं जिसमें आप सिर्फ पढ़ सकते थे आप कुछ पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे स्टैटिक वेब पेजेस हैं आपके और बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं था आपको याद होगा कि एक समय में हम आ, ये आपके कैफेज होते थे घर पे सबके इंटरनेट नहीं होता था वहाँ जाके मटेरियल कलेक्ट करके आते थे ज़्यादा अपडेटेड भी नहीं होता था जिसने जो डाल दिया वैसे चलता रहता था फिर नेक्स्ट स्टेज आने लगी वेब वन के बाद वो वहाँ पे एवोल्यूशन कैसे होने लगी पहले हम सिर्फ पढ़ पा रहे थे अब हम उस पर लिखना भी शुरू हो गए इंटरनेट पे लिखने भी लग गए अब यूजर्स

नाउ वेब 3.0 ये एक इवोल्विंग टर्म है ये अभी भी इवॉल्व हो रही है नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट रीड राइट एग्जीक्यूट हम रीड भी कर रहे हैं राइट भी कर रहे हैं इंटरेक्ट भी कर रहे हैं एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं सो इट इज़ मोर डिसेंट्रलाइज देखिए जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा कि इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है सो आई इंट्रोड्यूस टू एन ऑर्गेनाइजेशन आई कैन बट आई कैन बी कैप्लीटली अगर आप कहें वो इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करता इंटरनेट इंटरनेट इज अ वेरी डिसेंट्रलाइज डिस का मतलब समझते हैं ना अगर आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं तो डिसेंट्रलाइज का मतलब समझते होंगे कि हर कोई इसको कंट्रोल कर रहा है मेरा जो इंफॉर्मेशन मेरे फोन पे अगर मैं उसको सबसे कट ऑफ कर देती हूँ तो वो इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाएगा कंट्रोल इज माई इन माई हैंड मेरे डेटा का कंट्रोल मेरे हाथ पे है अगर मुझे पूरी तर, अच्छे तरीके से अपना फोन यूज करना आता है कि मैं बाकी एप्लीकेशंस को अपने फोन का एक्सेस ना दूँ तो इट इज डिसेंट्रलाइज्ड पावर दैट इज इन माई हैंड सो आई एम ऑल्सो कंट्रोलिंग इंटरनेट टू सम अ अ पार्ट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट राइट सो इंटरनेट इज डिसाइज एंड इट इज इवॉल्विंग सो इट स्पीक्स अबाउट अ डिजिटल वर्ल्ड अब जो हमारा इवॉल्व हो रहा है थ्री पॉइंट ओ में तो हम सब देख ही रहे हैं अब ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी आ रही है सो ये तो बिल्कुल ही सब चीज़ें चेंज कर रही है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इसको समझने के लिए पहले तो इतना दिमाग चाहिए जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको बीच में कोई थर्ड पार्टी भी नहीं चाहिए सपोज टूडे आई एम इंटरेक्टिंग विद यू बीच में एक थर्ड पार्टी है यू ट्यूब राइट लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि थर्ड पार्टी के भी बीच में एक इंटरमीडियरी की भी जरूरत नहीं है so very, very so अगर आप देखें, है आजकल वेबसाइट्स पे आप जाएं तो आप कहीं पे चैट करें मशीन लर्निंग आ गई है वो ह्यूम के लिए इंटरप्रेट कर लेगी इंफॉर्मेशन सो रिसेंटली वी गॉट दीज टेस्ट एक लैब में टेस्ट करवाए तो पहले क्या होता था कि जब लैब से टेस्ट आते थे ब्लड टेस्ट तो हम डॉक्टर के पास भाग के जाते थे कि भाई डॉक्टर्स उसको इंटरप्रेट करें कि किस टेस्ट का क्या मतलब है रिसेंटली आई वॉज शॉक्ड अभी नाम नहीं लूँगी उस पैथोलॉजिकल uh, लैब uh, का इट इज़ वेरी फेमस तो साथ में रिपोर्ट दिया जो कि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड था तो उसने हर टेस्ट का हर uh, जो सपोज कोलेस्ट्रॉल था कितना भी तो उसको पूरा इंटरप्रेट किया था कि आपका कोलेस्ट्रॉल इतना है कितना होना चाहिए अब इतना आ गया ये खराब वैल्यू है तो इसको कैसे कंट्रोल करें सो हैप्पी लुक वेयर द इंटरनेट एंड वेयर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग तो आई होप यू कैन कनेक्ट विद मी कि कितने तेजी से ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं सो देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ वेब इंटरनेट कंजप्शन टाइम पीरियड 1990 से 2005 में एक तरीके से आपका वेब वन था अभी तक हम ऑलमोस्ट वेब टू में हैं और वेब थ्री ट्वेंटी है लेकिन इट इज स्टिल इवॉल्विंग अभी और ज्यादा इवॉल्व धीरे 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 हो रहा है ठीक है डेटा कहाँ पे स्टोर होता था सर्वर की फाइल सिस्टम में आज क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सुना है क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इम्पोर्टेंट टर्म कि यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है सो वॉट हैपन्स मैं आपको एप्पल के फ़ोन की एग्जाम्पल देती हूँ सो दिस इज़ माई फ़ोन एप्पल का फोन अब मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की सपोज़ अन अकेडमी का एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया मेरे फ़ोन में तो मेमोरी किसके फ़ोन की गई मेरे फ़ोन की अब मेरा फ़ोन मुझे एक ऑप्शन देता है कि वोने का कोई आपकी आपके फ़ोन की मेमोरी बचाने के लिए कोई एप्लीकेशन आप अगर लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं सपोज लेट दैट एप्लीकेशन बिन आए का आप इसको लंबे समय से यूज नहीं करें तो हम इसको क्लाउड में ट्रांसफर कर देंगे ठीक है सो देयर कम्स अ क्लाउड सो देयर इसके पीछे इज अ सर्वर ठीक है पहले जब मैंने इसको डाउनलोड किया था तो किसी सर्वर से डाउनलोड किया था अब अगर एक एप्लीकेशन को मैं काफी देर के लिए आ, यूज नहीं कर रही हूं तो वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में स्टोर हो जाएगी तो जब मुझे यूज़ करनी है मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको डाउनलोड करने में शायद डाउनलोडिंग में जितना टाइम लगा था जब मैंने इस स्टेप से डाउनलोड करके फोन में लाया था ज्यादा टाइम लगा था बट बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग मेरे फोन की मेमोरी सेव करने के लिए वो क्लाउड में चला गया सो so, क्लाउड एक इंटरमीडियर आ गया मेरे गैजेट के बीच में और सर्वर के बीच में तो समवेयर यहाँ पे चीजें स्टोर हो रही हैं और इसका ये फायदा होता है बहुत तेजी से मैं इसको डाउ... अपना मटेरियल क्लाउड में रख सकती हूँ और उसको बहुत जल्दी से डाउनलोड कर सकती हूँ वेन आई नीड इट ठीक है तो अब आप देख सकते हैं वेब टू में हम अपनी काफ़ी चीजें क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं और वेब थ्री में व्हाट विल हैपन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन से सब कुछ चलेगा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स आपके होंगे सो so, वेब वन में आपके रुके हुए स्टैटिक वेब पेजेस थे ओके okay, ऑफ uh, क्या बोलते हैं आपके कॉमेंट्स एक बार मैं देख लू ओके सॉरी 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 जस्ट चलो देखिये मैंने आपके कमेंट्स विल टॉक अबाउट देम लेटर सो सी तीन स्टेजेस आपको समझ में आए एग्जांपल स्टैटिक वेब पेजेस एनएफटी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन जिस तरीके से हो रही है सो दिस इज वेब थ्री ना हु ओन्स द डेटा वेब वन में जो कंपनीज वेब पेजेस चला रहे थे वो डेटा को ओन कर रहे थे वेब टू में कंपनीज होस्ट कर रही हैं एप्लीकेशन आपको क्लाउड सर्विस दे रही हैं और वेब थ्री में सबसे बड़ी बात कोई डेटा किसी का स्टोर नहीं ओन नहीं करता है आपके डेटे डेटा का मालिक आप खुद होंगे वेब थ्री अब ट्रांजेक्शन नो ट्रांजेक्शन पॉसिबल वेब वन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती थी लेकिन वेब टू में हमने देखा पेमेंट गे, आ गए करेंसी ट्रांजेक्शन के तो अब कर, ये जो ट्रांजेक्शन है जब क्रिप्टो में होना शुरू हो रही है तो दैट इज वेब वेब फॉर यू तो ये तीनों स्टेजेस इंटरनेट की आपको मालूम होनी चाहिए वेब में क्या फर्क है वेब में हमको क्या क्या सर्विसेज मिली और वेब थ्री में हम एंटर हो चुके हैं बट इट इज स्टिल इवॉल्विंग और नेक्स्ट जैसे मैंने बात की कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी वो तो 5.0 की बात करते हैं खैर ये तो मेरी समझ से भी बाहर है कि वो दे एक्चुअली वन टू टेल कि फाइव पॉइंट ओ में तो अब मैजिक ही हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी थ्री में वेरी गुड थिंग्स आर हैपनिंग सो दे विजन ऑफ वेब फाइव पॉइंट ओ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डेटा का ओनरशिप है आइडेंटिटी वो उसके इंडिविजुअल के पास ही रहेगी तो दैट इज वेब फाइव पॉइंट ओ फे यू क्लाउड कंप्यूटिंग राकेश मैंने अभी पीछे बताया है इन अ बेसिक टर्म बट इस पर हम अलग से वीडियो डिटेल में भी लेके आएंगे देखो शुभोजित इस तरह से जब ओपिनियन बनाना है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप बोल ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा पेपर में ऐसे ओपिनियंस नहीं लिखने और पहली बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब आपसे प्रोज या कॉन्स पूछे जाएंगे तो आपको बैलेंस करके रखना है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर कोई भी आती है उसके फायदे भी होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं तो आपको एक बैलेंस ओपिनियन बनाना है एज अ यू पी आपको भावनाओं में नहीं बहना है कि भाई सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई ह्यूमन्स तो बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं पाएंगे ऐसा ठीक है थीके? ऐसा है भी और नहीं भी है सो so, आपको एक बैलेंस से इस चीज को कनेक्ट करना है सो anyway, oh, so, 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 यहाँ पे फाइव पॉइंट ओ में यही है कि यूजर्स अपना डेटा खुद कंट्रोल कर पाएंगे उनकी आइडेंटिटी खुद कंट्रोल कर पाएंगे एनी so, anyway अभी करंट <coughs> अफेयर से रिलेटेड क्या है कि अभी इंडिया में आपका 5G सर्विसेज लॉन्च हुए हैं फर्स्ट अक्टूबर को आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने 5G सर्विसेज लॉन्च किए तो इंडिया में इंडिया की जर्नी जो 5G की है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एक रोड मैप रहा है ये मैंने पाथ फाइंडर पर भी सेम न्यूज जो है ये पाथ फाइंडर जो चैनल है हमारा वहाँ पे मैंने डिटेल में कवर किया है तो so, तभी मैं बोलती हूँ पाथ फाइंडर भी देखिए वहाँ पे मैं कोई ना कोई डेली के दो तीन वीडियोज़ लेके आती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि एग्जाम ओरिएटेड होते हैं सो दिस हैज बिन कवर्ड देयर तो इसको मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर कवर नहीं करूँगी बिकॉज यू मस्ट हैव इट अभी कि फाइव हमने रोल आउट किया है कुछ सिटीज़ uh, में ही एंड देर इज़ डिफरेंस बिटवीन 5G अब आपको कोई भी आप 5G और 4G में डिफरेंस बताएंगे तो आप सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं यस yes, 5G की बहुत तेज स्पीड है बट एक और चीज़ जो आपको बात करनी है दैट इज़ अबाउट लेटेंसी लेटेंसी क्या होती है कि कितना समय लग रहा है एक जगह से मैसेज जाके वापस आने में तो 5G में ये भी बहुत रिड्यूज़ हो गई है अल्टीमेटली दैट मीन्स द स्पीड इज ग्रेट अब वन जी हम सेवेंटी नाइन में यूज़ करते थे एनालॉग टेली था आपका टू जी मैसेजेस जब हम भेज रहे थे 991 वन में थ्री जी जब हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करने लगे फोर जी जब क्लाउड आई पी और ब्रॉडबैंड यूज करने लगे और फाइव जी योर इज़ योर हाई स्पीड अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी अगर है तो ये आपका फाइव जी आ गया फोर जी टेक्नोलॉजी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लाउड कंप्यूटिंग गेमिंग सर्विसेज ये सब आपको फोर जी में मिला आप सबने फोर जी हम सब अभी फोर जी ही यूज कर रहे हैं सो वी नो वॉट वी ऑल गॉट इन फोर जी थ्री जी से कंपेयर करें जब थ्री जी भी हमने यूज़ किया कॉल वेन आई वॉज इन कॉलेज वी वर यूजिंग थ्री जी सर्विसेज एट दैट टाइम और उसके कंपेरेटिवली में फोर जी ने हमको बहुत ज़्यादा फास्ट सर्विसेज एच डी क्वालिटी डेटा सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड किए सो फाइव जी हैज़ ऑल्सो इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टेन तो फाइव जी के बहुत बेनिफिट हैं स्पीड का बेनिफिट है यहाँ पे हर चीज़ इम्प्रूव होगी डिजास्टर मैनेजमेंट आपका इंप्रूव होगा कहीं पे मैसेज भेजना है बहुत जल्दी से जाएगा लेटेंसी सो लेटेंसी में आपको समझा रही थी दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइम इट टेक्स फॉर अ रिक्वेस्ट टू गो फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड बैक टू क्लाइंट तो क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है और कितनी तेजी से वापिस आ रही है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूज हो जाएगी फाइव में सो वैन यू मैंशन अबाउट फाइव जी स्पीड लेटेंसी ठीक है सो डिजास्टर अलर्ट टेक्नोलॉजी में मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा फास्टर अलर्ट्स लोगों को जाएंगे स्मार्ट व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट में आपको यूज होगा ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इम्प्रूव होगा सो एवरी थिंग इज दैट एंड जो चीज़ आपकी पहले इतना टाइम देती थी, थी डाउनलोड होने में तो आपकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड एवरी थिंग विल इंक्रीज विथ फाइव जी तो ऑलमोस्ट आपके आई थिंक थर्टीन स्टेटीज में अभी इसको रोल uh, आउट किया गया है चलिए आई थिंक इट इज़ सफिशंट आज का डिस्कशन बाकी डाउट ब्राउज ये जो आ, फीचर है इसको जरूर यूज़ कीजिए आई थिंक एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है एज वेल एज ऑन वेबसाइट सो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इफ यू मैनी क्वेश्चन आई एम हेयर फॉर वन और टू मिनट सो आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा इंटरनेट कि किस तरह से इवॉल्व हुआ और जिस तरह से मैं आपको फोकस करती हूँ आपको बोलती हूँ कि रनिंग मोड्स बनाइए रनिंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि लिखिए साथ में जो आपको बोल रही गेट द फॉर श्योर आपको मेरे हूँग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा लेकिन जो चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ ये लिखी हुई नहीं मिलेंगी ना तो इनको लिख लीजिए लिख लें आई एम टीचिंग शुभोजीत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देखो मैंने आपको पहले भी कहा इन्वायरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स मुझसे मत पूछो फॉर दैट मैटर कोई भी किताब ले लो लेकिन लेक्चर्स पे फोकस करो जो लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हो फिर जाके किताब से उसको पढ़ो फिर भी आपको किताब में आई एम श्योर इतना सब नहीं मिलेगा सो दीज आर वेरी डायनेमिक कैन डिपेंड अपॉन टीचर्स फॉर डिटेल डिटेल्स एंड योर एग्जाम कोई एक बुक नहीं है आप कोई भी बुक मार्केट से उठा सकते हो एनी क्वेश्चन एनी वन एलियन आने वाले हैं संपत सिंह okay. ओके ये सनिकेत यहाँ पे तो हम ट्राई कर ही रहे हैं एंड ऑब्वियसली बाद में हम प्लस कोर्स पे भी अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है प्लस में भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक डिटेल में करेंगे कवर और फिलहाल तो आपको फ्री मिल ही रहे हैं लेक्चर्स बुक्स आई एम सेइंग देयर नो पर्टिकुलर बुक्स फॉर इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कोई भी किताब उठा लो टीचर को अच्छे से पढ़ो और जाके बुक को पढ़ो क्योंकि इनकी बुक्स इतनी हैवी बुक्स आती है इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं उनको पढ़ के टाइम वेस्ट होगा और पेपर में कुछ नहीं आएगा चलिए सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल विकांडर्स को सो डू कनेक्ट विद मी हियर थैंक यू सो मच